पर उपकार कौन कर सकता है जिसने पहले अपने आप पे उपकार किया हो? इस बात को थोड़े ध्यान से समझना। अपने आप पे उपकार करना क्या है? अमृत ले उठना, नाम जपना, नित्यनेम संभालना, अपना जीवन संभालना, ये अपने आप पे उपकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपने आप पे उपकार करेगा फिर वो दूसरे को परोपकार कर सकता है दूसरे पर। अगर अपने पे नहीं किया दूसरे की क्या मदद करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तैरना नहीं आता, कोई डूब रहा उसे बचाएगा कैसे? जाएगा खुद भी डूब जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले खुद को तैरना आना चाहिए फिर दूसरे को बचा सकता है। कहने का भाव उपकार क्या है? सबसे बड़ा उपकार अपनी आत्मा पे है। बाबा नानसिंह जी कहते थे नाम जपना अपने आप पर उपकार करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी आत्मा पर उपकार करना है क्योंकि नाम जपेगा आत्मा बलवान होगी, फिर दूसरे के परोपकार की तरफ भावना बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। परोपकार से पहले उपकार सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पहले उपकार।